सबसे पहले पाडल की निर्विधि पंचायत की जनता को मेरा नमस्कार व आदर। सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, समय की बहुत कमी है। जिनाब सजाद अहमद किचलू साहब, हमारे डीडीसी मेंबर तेजल, डिस्ट्रिक्ट अग्र महिला इंदू बाला, जितनी भी महिलाएं आज हमारे लिए यहाँ आई हैं, चाहे वो वहाँ बैठी हैं या यहाँ बैठी, आप सभी को मेरी तरफ से दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार व आदर। जैसे कि आप सबसे बता रहे कि अब इलेक्शन का समय आ चुका है और 19 अप्रैल को जो है हमें वोट करना है। सबसे पहले तो मैं आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि पार्लियामेंट इलेक्शन जब भी होता है तो लोगों में जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत कम होता है कि क्या करना है, सेंटर के इलेक्शन है, किस लिए वोट करना है। पर मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये इलेक्शन आप ये मत समझे कि सेंटर का है, ये इलेक्शन हम लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, आपके बच्चे पढ़े लिखे जो घरों के अंदर बेकार बैठे हैं, ये उनके लिए वो वोट है। अगर आप सही सरकार चुनेंगे सेंटर में तो ही ये चीजें जो है हल हो सकती हैं। हमारा संविधान जो इस खतरे में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इसलिए बनाया था कि हिंदुस्तान के हर वर्ग को उसकी पहचान मिले, उसको एक अच्छा जीवन मिले, उस संविधान को इस टाइम पे खतरा है। और मैं चाहूंगी कि हम जितने भी लोग हैं धर्म को एक साइड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति होती है। कोई ये नहीं पूछता है कि आपने हमारी गलियां बनाई, आपने हमारा अस्पताल बनाया, हमारा बच्चा बेरोजगार क्यों है, उसे नौकरी क्यों नहीं है। बस वो यहाँ आते हैं और ये कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, वोट देना है। पर हिंदू खतरे में ना कल था, ना आज है और ना ही कभी होगा। अगर हम सब जो है मिलके इस इलेक्शन को जीते और चौधरी लाल सिंह जी को विजय बनाए। मेरे यहाँ पे और भी बड़े बुजुर्ग बुद्धिमानी लोग हैं जो आपको ये चीजें और भी बताएंगे। हम सिर्फ आपसे ये कहने आए हैं, खासकर जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं, देखिए आप लोग किचन में हैं, इस वक्त आपको पता है कि सब्जियों का रेट क्या है, राशन का रेट क्या है, सिलेंडर का रेट क्या है, क्योंकि आप लोग जो है वहाँ से जो है ये सोचते हैं कि सुबह क्या बनाना है, शाम को क्या बनाना, दोपहर को क्या बनाना है। पर आज की जो महंगाई है उसने इतना आसमान छू लिया है कि अगर आप सुबह कुछ बनाती हैं तो दोपहर को आपको ये सोचना पड़ता है कि अब मैं क्या बनाऊं। राशन हमारी कम कर दी गई, महंगाई जो है चरम पे है, बच्चे बेरोजगार है, हमारे यहाँ इतने पावर प्रोजेक्ट हैं। मैं जब अपने ऑफिस में बैठती हूँ और मेरे पास सुबह से शाम तक तांता लगा होता है बच्चों का, मैं इतनी बेबस अपने आप को महसूस करती हूँ कि इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद भी मैं उन गरीब लोगों का मसला हल नहीं कर पाती, जिसका मेन कारण ये है कि इन लोगों ने अपने जो इनकी मधुमक्खियाँ 24 घंटे आगे पीछे घूमती रहती हैं, सिर्फ उन्हीं मधुमक्खियों को जो है उन प्रजापतियों का मालिक बना के रखा है। ये चुनाव उनका नहीं है, ये पानी जो ये प्रोजेक्ट वाले इस्तेमाल करेंगे उनका नहीं, ये हम सबका है, नौकरियों का हम सबका है, चाहे वो एनसी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो या किसी और पार्टी से। पर यहाँ पे जो नौकरियों का हक है वो गरीबों से छीना गया और उन लोगों को दिया गया जो कि इन लोगों की चापलूसी करते हैं, जो इन लोगों के बातें जो है आप लोगों के कानों तक इतनी बुरी तरह से फैलाते हैं कि आप लोग जो है एकदम से अपना जो माइंड है वो बदल देते हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, लोग आपके पास आएंगे बहुत कुछ कहेंगे, सिर्फ मोदी के नाम पे, अपने नाम पे आपसे वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं। तो मोदी जो है अब वो नहीं है, क्योंकि बार बार एक ही चेहरे से वोट नहीं मिलता है, वोट मिलता है काम करने से। अगर मैंने काम किया होगा तो मैं अपने नाम से वोट मांगूंगी, ना कि सजाद अहमद किचलू जी के नाम से। धन्यवाद, शुक्रिया।